हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं रेड फॉक्स या लाल लोमड़ी के बारे में। वन्य जीवन पर अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। लाल लोमड़ियों के लंबे पैर, नुकीले त्रिकोणीय काले कान, एक नुकीला थूथन और एक सफेद पूंछ की नोक के साथ एक लंबी झाड़ीदार पूंछ होती है। बिल्ली की तरह लोमड़ी की मोटी पूंछ उसे संतुलन में मदद करती है, लेकिन इसके अन्य उपयोग भी हैं। एक लाल लोमड़ी की पूंछ या ब्रश अन्य लाल लोमड़ियों के साथ संवाद करने के लिए एक झंडे की तरह हो सकती है। लाल लोमड़ी भी आपके कुछ पसंदीदा पालतू जानवरों के समान दिखती है। यह जो कुत्तों, भेड़ियों और कोयोट्स के रिश्तेदार हैं, लेकिन कुछ मायनों में वे वास्तव में बिल्लियों की तरह अधिक हैं। उनके पास लंबी मूंछें, वापस लेने योग्य पंजे और उत्कृष्ट रात्रि दृष्टि है। बिल्लियों की तरह लाल लोमड़ियां भेड़ियों जैसे झुंडों के बजाय अकेले शिकार करती हैं। जब शिकार का पता चल जाता है तो लोमड़ी जमीन पर झुक जाती है और किसी भी शोर या दृश्य चेतावनी को कम करने का प्रयास करते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। अप्रोच के दौरान लोमड़ी की नजर अपने शिकार पर टिकी रहती है। लोमड़ी को देखते ही शिकार भागना शुरू कर देता है। शिकार घनी झाड़ियों में से भाग जाता है या लोमड़ी उसको काटकर उसे निष्क्रिय कर देता है। लोमड़ी भी पेड़ों या चट्टानों पर पेशाब करके एक दूसरे से संवाद करती हैं, जैसे कुत्ते कभी कभी करते हैं। इसकी पीठ, बाजू और सिर आमतौर पर लाल भूरे रंग के फर से ढके होते हैं और इसकी गर्दन और छाती सफेद फर से ढकी होती है। इसके पैर और पंजे सामान्य रूप से काले होते हैं। लाल लोमड़ी अकेले शिकार करती है। लाल लोमड़ी सर्वाहारी होती हैं। वे चूहों, गिलहरियों, पक्षियों, खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों को खाते हैं। हालांकि वे फल, सब्जियां, मछली, मेंढक, छिपकली, अंडे, कीड़े भी खाते हैं। लाल लोमड़ी ज्यादातर रात, सूर्यास्त और भोर में शिकार करते हैं। उनमें से कई घर के पिछवाड़े में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लाल लोमड़ी जंगली जानवर हैं। इसलिए आपको लोमड़ियों से हमेशा अच्छी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उन्हें कभी नहीं खिलाना चाहिए। वन्यजीव जीव विज्ञानी रात में कूड़ेदानों को ढकने और पालतू जानवरों के भोजन को अंदर रखने की सलाह देते हैं। यदि मनुष्य उन्हें खिलाते हैं तो लाल लोमड़ियां अपनी शिकार करने की क्षमता जैसे जंगली तरीके खो सकती हैं। यदि वे शिकार नहीं कर सकते तो वे जीवित नहीं रह सकते। एक शिकारी के रूप में लाल लोमड़ी में कई अनुकूलन होते हैं जो इसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। लोमड़ियों में दृष्टि, श्रवण और गंध की उत्कृष्ट इंद्रियां होती हैं। उनके नुकीले नाखून, नुकीले दांत मांसाहारी के लिए विशिष्ट होते हैं और मांस को फाड़ने में उनकी मदद करते हैं। लोमड़ी के फर के रंग उसके परिवेश के साथ मिल जाते हैं और उसे अच्छी तरह से छलावरण करने की अनुमति देते हैं। भले ही एक वयस्क लाल लोमड़ी एक बच्चे के रूप में केवल आधा लंबा होता है, फिर भी उसे 6 फीट लंबे बाढ़ पर कूदने में कोई समस्या नहीं होगी। ये एथलेटिक जीव चूहों और बर्फ में दबने वाले अन्य छोटे कृंतकों पर शिकार करने में मदद करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। वे 30 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। भालू, पहाड़ी शेर, कोयोट से बचने के लिए आसान है या कोई अन्य शिकारी जो उनके पीछे आ सकता है। एक लाल लोमड़ी की लंबाई 24 से 28 इंच होती है, पूंछ सहित नहीं, जो अतिरिक्त 14 से 17 इंच जोड़ती है। लाल लोमड़ी का वजन औसतन 3.6 से 5.4 किलोग्राम होता है, लेकिन अक्सर अपने मोटे कोट के कारण इससे भारी दिखाई देते हैं। मानव देखभाल में लाल लोमड़ी 10 या 12 साल, अधिकतम 15 साल तक जीवित रह सकती है। जंगल में उनकी जीवन प्रत्याशा औसतन 3 से 5 वर्ष है। आमतौर पर लाल लोमड़ियों को अपने पूरे जीवन के लिए एक साथी चुनता है। मादाएं 1 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती हैं जो भूरे रंग के होते हैं, आमतौर पर लगभग 1 महीने के भीतर लाल हो जाते हैं। दोनों माता पिता अगले पतन तक अपनी संतानों की देखभाल करते हैं, फिर युवा लोमड़ियां अपने आप निकल जाती हैं। लाल लोमड़ियों के कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं। उनके शिकारी भेड़िये, कोयोट, भालू, कॉगर और लिनेक्स हैं, जबकि चील, उल्लू और बेजा लाल लोमड़ी के बच्चों के शिकारी हैं। हालांकि गरुड़ वयस्क लोमड़ियों को मार सकते हैं।
मनुष्य लोमड़ियों का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि मनुष्य लोमड़ियों को उनके फर के लिए मारते हैं। लोमड़ियां आमतौर पर तब तक मांद में नहीं सोती हैं जब तक कि वे ऐसी मादा न हो जो शावकों को जन्म दे रही हो या पाल रही हो। मादा लोमड़ियां अन्य जानवरों जैसे खरगोश या बेजा द्वारा बनाई गई मांदों की तलाश करती हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो अपनी खुद की मांद खोद लेंगी। जंगल में लोमड़ियां सोने के लिए खुले में एक गेंद में कल करती हैं, अपनी झाड़ीदार पूंछों से खुद को ढंक कर गर्म रखती हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लोमड़ियां शेड जैसी संरचनाओं के नीचे सो सकती हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।